देखें, आज हम बना रहे हैं समोसे। समोसे बनाने के लिए मैंने मैदा लिया 2 कप, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच ज़ीरा, थोड़ी सी अजवाइन, 1/2 चम्मच नमक और 4 चम्मच ऑयल के, और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। मैदे को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, जो ऑयल डाला था, ऑयल मुझे थोड़ा सा कम लगा था, 2 चम्मच मैंने इसमें और ऐड किया। ये देखें, इस तरह जब तैयार हो जाएगा तो बहुत ही खस्ता और मज़े के इसके पत्ते तैयार होंगे। अब इससे पानी हल्का सा लगाएंगे थोड़ा सा, और इसको गूंदेंगे। इसको नरम नहीं गूंदेंगे, सख्त गूंदेंगे हम। और पानी मैंने ताज़ा लिया, गर्म नहीं किया, गर्मी है ना इसलिए। थोड़ा सा और लगाएंगे, मैंने इस तरीके से मैदे को तैयार कर लिया है। पत्ते का तैयार हो चुका है, ये देखिए, ना बहुत नरम है ना बहुत हार्ड है, इस तरह। अब इसे 15 से 20 मिनट की रेस्ट देंगे कवर लगा के। 2 से 3 चम्मच मैंने ऑयल डाला और 1 चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। अभी थोड़ा सा इसको भुनेंगे। थोड़ी देर मैंने लहसुन अदरक को भून लिया, अब इसमें ऐड करेंगे प्याज। एक प्याज दरमियाने साइज का मैंने चॉप कर लिया। इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच दड़ा मिर्च, 1/2 चम्मच काली मिर्च, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच ज़ीरा पाउडर। और 1/2 चम्मच ऐड करेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 से 2 मिनट हम इसको भुनेंगे। मसाले, कच्चापन मसाले का मैंने ख़त्म कर दिया, 1 से 2 मिनट मैंने भून लिया। अब हम चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, मसाला तब तक ठंडा हो जाता है हमारा, हमने तैयार किए। आलू को हम मैश कर लेते हैं। 1/2 किलो आलू बॉईल किए थे मैंने, अब आलू को हम मैश कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, थोड़ा सा मोटा रखेंगे हम इसको। तब तक मसाला हमारा ठंडा हो जाएगा, फिर इसमें मिक्स करेंगे। आलू मैंने मैश कर लिए, अब हम समोसे के पत्ते तैयार कर लेते हैं। 15 से 20 मिनट हो चुके, मैदा हमारा तैयार हो चुका। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाते हैं इस तरह।
इसी तरह हम सारे पेड़े तैयार कर लेते हैं। पेड़े मैंने तैयार कर लेते हैं, अब हम इसके पत्रे तैयार करते हैं। इस तरह पहले हाथ से इसे बेलेंगे हम, इस तरह हल्का सा हम लगाएंगे मैदा। अब हम इसको बेलते हैं इस तरह। हमने ये अच्छे से बेल लिया, तैयार हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं इस तरह सेंटर में से। ये देखिए इतना बारीक तैयार किया, और इसको इसको इधर रख लेते हैं इस तरह। दूसरा से इस तरह इसको प्रेस करेंगे। अब हल्का सा मैदा लगाएंगे हम। अब हम इसको बेलेंगे और इसी तरह हम सारे पत्रे तैयार कर लेंगे। सारे पत्रे मैंने तैयार कर लिए इस तरह। अब हम इसका मेज़ा तैयार करते हैं। आलू मैंने मैश कर लिए थे, मसाला हमारा ठंडा हो चुका है, हम इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे चॉप की 2 सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया थोड़ी सी मैंने कटिंग की है, और पुदीने के पत्ते इतने से, ये भी इसमें ऐड कर रही है। अब हम मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हाथ की मदद से। नमक कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मसाला हमारा तैयार है, अब हम समोसे इस तरह हम पत्रा हाथ में रखेंगे, इसको हल्का सा पानी लगाएंगे इस तरह। अब इसको फोल्ड करेंगे इस तरह, इतनी ज़बरदस्त शेप तैयार हुई। अब इसमें हम मैदा भरेंगे 1.5 चम्मच के करीब। अब हम इसको बंद कर देंगे। समोसा हमारा तैयार है, और इसी तरह हम सारे समोसे तैयार कर लेंगे। समोसे हमारे तैयार हो गए, अब हम तलाई करते हैं। ऑयल मैंने गरम कर लिया, अब हम इसमें समोसा डाल दें। प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया, अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। समोसों को हम पलट पलट के तलाई करेंगे। समोसे तलाई हो चुके हैं, अब हम बाहर निकालते हैं। अपने समोसे ज़बरदस्त और खस्ता तैयार हुए हैं, ये देखिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।